हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आज मैं जिस महासागर की बात करने वाला हूँ वह पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम दोस्तों किसी देश के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। इंडियन ओशियन के नाम से जाने जाने वाले इस महासागर के अंदर सिंधु, गोदावरी, कृष्णा तथा नर्मदा नदी अंदर समाहित होती है। तो दोस्तों, यह सागर दुनिया के 20% जल भाग को रखता है। दोस्तों, गंगा तथा ब्रह्मपुत्री नदी हिमालय से निकलकर इसी महासागर में मिलती है तथा साथ में रेत बहाकर लाती है, जिसके कारण दोस्तों सुंदर टापू का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीपों जैसे पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया से तथा दोस्तों पश्चिम में यह दक्षिणी ध्रुवीय महासागरों से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि 5 सबसे बड़े महासागरों में हिंद महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, यह महासागर प्रशांत महासागर के साथ अलास्का की खाड़ी की सहायता से मिलता है। किंतु दोस्तों, 2010 में एक फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की जिसमें दोस्तों इस महासागर का पानी आपस में नहीं मिल रहा था। इसका जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पाया कि प्रशांत महासागर में ग्लेशियर का पानी होता है, जिसके कारण दोस्तों वह हल्का नीला रंग का दिखाई देता है, जबकि हिंद महासागर में समुद्र का पानी होता है जो गहरा नीला दिखाई देता है। इन दोनों पानी की डेंसिटी, इसमें मिले हुए मिनरल्स तथा इनका टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण ये मिक्स नहीं हो पाते। इसके अलावा दोस्तों, हिंद महासागर का पानी खारा तथा प्रशांत महासागर का पानी मीठा होने के कारण ये आपस में मिल नहीं पाते। दोस्तों, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों पर स्थित इस महासागर का क्षेत्रफल 7,035,56,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई दोस्तों 10,000 किलोमीटर तथा इसकी गहराई की बात करें तो 8,047 मीटर है। दोस्तों, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से जुड़े इस सागर में फारस की खाड़ी तथा लाल सागर सम्मिलित है। लाल सागर दोस्तों एशिया तथा अफ्रीका के बीच हिंद महासागर की एक खारे पानी की खाड़ी है। समुद्र की सतह पर लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण कभी कभी यह पानी लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, इसी कारण इसका नाम लाल सागर पड़ा है। दोस्तों, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, यह द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। इस महासागर की तली में होने वाली शक्तिशाली कंपन से दोस्तों चक्रवात, भूकंप तथा महामारी फैलती है। दोस्तों, अरब सागर हिंद महासागर का ही क्षेत्र है। अब बात करें कि इस महासागर में भारत को क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, भारत इस महासागर के सेंटर पॉइंट में है, जिससे दोस्तों मसाले, दालें तथा कपड़े यहाँ से निर्यात होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, व्यापार के अंदर भी इस महासागर की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। उत्तर में स्थित सुंदर पर्वतीय दर्रे विदेशी तथा प्राचीन यात्रियों का मार्ग प्रदान करने में भी यह महासागर बहुत ही सुंदर भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, भारत के साथ साथ इस महासागर की कई देशों में भी बहुत अच्छी भूमिका है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसी तरह की जानकारी प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आप उन वीडियो को भी देखिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। अगला वीडियो दोस्तों मैं एक और बड़े महासागर जो कि आर्कटिक महासागर है उसके ऊपर लाने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।